जिन लोगों ने मन जाए वो उन्होंने कनखा देनी है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको हमारी वीडियो का टाइटल तो आपने देखा ही होगा कि टाइटल ये है हमारी वीडियो का कि एक विलेज पर्सन की जिंदगी, पूरी जिंदगी में रूटीन क्या होती है, किस तरह गुजरती है और वो कितना फिट रहता है और कितना खुशी महसूस करते हैं। तो इसी हवाले से हम आपको आज आपको हम मिलवाने आए हमारे गाँव के एक जिम्मेदार शख्सियत से जो जमींदारी का शौक भी करते हैं और इसकी वजह से उनकी जिस्मानी सेहत कितनी अच्छी रहती है ये आप देख सकते हैं। उनकी एज भी पूछेंगे हम और आप उनकी फिटनेस को देख के उनका अंदाजा ही लगा सकेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माइक हम पड़ी से आजा। कितना टाइम हो गया लानिया सब्जियां वगैरह? पहले चीज ये है कि मैं परदेश में मेरा 40 साल का पीरियड है। सही है, परदेश ही 40 साल। लेकिन 40 साल ने दौर में भी हर चीज की शौक ऐसी है और दौरान सर्विस मेरे घर ने पोजीशन इतनी कमजोर हो गई थी कि फसल आखिरी दर्जे में पहुंच गया थी। करीब 20 मन मकान थी, मेरी एक मन तक पहुंच गई थी। सही जरा मेरा कार जरा सी मेरा मेरा कार जो है वो 10,000 में निकला थी, वो 2,000 तक पहुंच गया थी। और 40 साल दौर में बीमारी भी उसने सामने कटी आखिरी दर्जे में, दुनिया सारी जानी जिस वक्त में कार है यहाँ कार आके बीमारी बड़ी कटी, काफी तकलीफ देखी, हर हफ्ते में अस्पताल भी जाना होना ऐसी। उस तो बाद आस्ते 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 मैं शौक पैदा होया और मैं अपनी जमीन ने जिम्मेदारी शुरू की थी। सही, जिम्मेदारी जो ही शुरू की थी आस्ते आस्ते आस्ते, आस्ते बीमारी मेरी दूर हो गई, बहुत दूर हो गई, बहुत दूर हो गई। सबसे पहले जमीन ही मेंटेनेंस की थी, जमीन सफाई की थी, जमीन क्यों मतलब जैसी गंद कूड़ा गोटी वगैरह है ये गोटी खत्म होने के बाद मेरा कार भी ठीक हो गया, मेरा फसल भी ठीक हो गया। फसल ठीक आने ठीक है, कार्य है कि सिर्फ वजह ये है कि जमीन के नहीं, जमीन अल्लाह तला ने एक बहुत बड़ा धोखा है खड़ा है। जमीन के नहीं कि यह बंदे मैनू मेरे मोहब्बत पैदा कर, तू मोहब्बत पैदा कर सकते मैं तेरे से मोहब्बत पैदा कर सकते मैं तुझे अनाज दे सकूँ। और इसने जिंदगी में सहारा है कि मेरा अनाज आज अल्लाह ने शुक्र है कि मेरी तो बाद मेरा इलाज हो रहा है। एक नंबर दो कौन है तेरे का दिखा अरे ना देना अटेंड कर अस्सलाम वालेकुम। हां अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। बस तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? आपको दिखाते हैं इनकी फसलें। ये इनकी लहसुन की फसल है, थूम की, माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारी और सेहतमंद फसल है, खूबसूरत फसल है। और इसमें ये किसी किस्म का इन्होंने खाद नहीं इस्तेमाल किया हुआ, इसमें तमाम देसी गोबर, देसी खाद, गोबर गाय या भैंस का गोबर इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने। और सज्जी, इससे कीड़ा नहीं लगता ज़मीन को। ये देखें माशाल्लाह से इनकी कितनी अच्छी फसलें तैयार हुई हैं। आप भी इसी तरह फसलें तैयार करें और मुजरे सेहत फसलें खाने से गुरेज करें, इससे हमें मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का इंसान शिकार होते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत, कोई एक खेत नहीं मतलब तकरीबन तो ये इनकी गंदम की फसल है। नाज़रीन देखिए किस कदर अच्छी फसल तैयार हुई है। ये वाली पौधे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये इन्होंने खुद लगाए हुए और पाले हुए। ये देखिए जी खूबसूरत, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला किस्म का इन्होंने काश्तकारी की हुई है। तो नाज़रीन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, इससे हमारी हर वीडियो आपको आसानी मौसूल हो सकेगी और हमारा और आपका ताल्लुक बना रहेगा। फिर मिलते हैं नाज़रीन किसी नए आइडिया के साथ, नए मौजू के ऊपर एक अच्छी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी हमारी। अगर आपको फिर मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, इससे हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वसूल हो जाएगी। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ नाजरीन, अल्लाह ने के बान हर बला और मुश्किल से महफूज रखे, अल्लाह पाक आपको, हमें, तमाम उम्मत मुस्लिमा को और इस्लाम के ऊपर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान।